हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी, जहां पर आप रोज एक नया वर्ड सीखते हो और उस वर्ड को एक्चुअल यानी कि रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये भी समझते हो। अगर आपने इस वोकैबुलरी सीरीज को आज से देखना शुरू किया है तो मैं चाहूंगा कि आप लेसन नंबर 1 से जरूर देखें। उसके लिए आपको लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी, जरूर उन लेसन्स को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का वर्ड हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसकी प्रोनंसिएशन समझते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। क्या कहेंगे इसको, इसे रिजिड या रिजिड? जो एंड पार्ट है ना, आपको इसे स्ट्रेच नहीं करना है, यह है रिजिड। क्या कहेंगे? रिजिड, रिजिड, रिजिड एक एडजेक्टिव है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समथिंग दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, कोई चीज जिसे आप मोड़ नहीं सकते हो। कोई एक्चुअल चीज हो सकती है, फिजिकल चीज हो सकती है, जैसे एक लोहे का रॉड काफी रिजिड होता है, इवन लकड़ा जैसे स्टिक होती है लकड़ी की, वो भी रिजिड होती है, राइट? पर आप इसे एक इमेजिनरी वे में भी यूज कर सकते हो, जैसे किसी के ख्याल, वो भी रिजिड हो सकते हैं। कोई इंसान भी रिजिड हो सकता है। रिजिड मतलब ये नहीं कि वो अपने हाथ नहीं हिला सकता या पैर नहीं हिला सकता, पर उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी रिजिड हो सकती है। समथिंग दैट डज नॉट चेंज, जैसे कि मैंने बताया, किसी का डिसिप्लिन हो सकता है, किसी का एटीट्यूड हो सकता है जो रिजिड हो सकता है। रिजिडिटी एक नाउन है, इसकी प्रोनंसिएशन है रिजिडिटी, रिजिडिटी। वन मोर टाइम, रिजिडिटी। रिजिडली एक एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो डेफिनेटली एडवर्ब होगा, और यह है रिजिडली। पर रिजिडली है ना, इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। To do something strictly with discipline, क्योंकि ये एक adverb है तो definitely ये verb को modify करता है। और rigidly का मतलब क्या है? To do something strictly or with discipline, कोई भी काम जो बहुत ही strict manner या discipline के साथ किया जाता है, तब आप word use कर सकते हो rigidly। चलिए देखते हैं sentences। Fresh graduates prefer working in MNCs instead of taking a government job due to their rigid way of working। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है? एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल होता है, और उस फिक्स्ड प्रोटोकॉल के अंदर ही आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो आपके ऊपर एक बॉस होगा, बॉस के ऊपर एक बॉस होगा, उसके ऊपर एक बॉस होगा, और सारे ऑर्डर्स वहां से चलते हैं। आप उनके ख्यालों के खिलाफ या उनके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते हो। मतलब आप अपना एक प्रेजेंटेशन उनके सामने नहीं रख सकते हो। इनफैक्ट उल्टा, उसके उल्टा, एमएनसीज में नए आइडियाज़ वेलकम किए जाते हैं। आपके अंदर जो स्किल्स है आप उन्हें और उभार सकते हो। तो इसलिए जितने भी नए ग्रेजुएट्स हैं वो एमएनसीज में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब। हालांकि गवर्नमेंट जॉब आपको एक सिक्योरिटी देती है, पर स्किल्स काफ़ी हद तक आपके ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका जो वर्किंग स्टाइल है बहुत ही रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। एप्पल कंप्यूटर्स आर ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर द रिजिड परफॉर्मेंस, और ये बात मैं डेफिनेटली मारूंगा कि इतनी सारी कंपनी, इतने सारे कंप्यूटर ब्रांड्स है, पर उसमें एप्पल कंप्यूटर्स काफ़ी रिजिड है। रिजिड इन द सेंस उनका परफॉर्मेंस काफ़ी रिजिड है। आपका कंप्यूटर कभी बहुत मुश्किल से हैंग होता है, कभी ऐसा हैंग होता नहीं है, राइट? तो ये काफ़ी परफॉर्मेंस में रिजिड होते हैं। और जितने भी वीडियो एडिटर्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री में, जनरली एप्पल कंप्यूटर्स पर भरोसा किया जाता है। महंगे आते हैं पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी रिजिड होता है, आपको धोखा कभी नहीं देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। टू कीप ग्रोइंग पर्सनली एंड प्रोफेशनली वन कैन नॉट बी रिजिड एज इट रेस्ट्रिक्स ग्रोथ। और हकीकत बात है, अगर आपको पर्सनली ग्रो करना है या प्रोफेशनली ग्रो करना है तो आपको काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वक्त जैसे बदल रहा है आपको बदलना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। आप रिजिड नहीं हो सकते कि मैंने इतना सीखा है बस इसी दायरे में मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इन मेनी कंट्रीज वुमेन आर स्टिल रिजिडली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्कफोर्स। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर आज की तारीख में औरतों को काम करने नहीं दिया जाता। इनफैक्ट इंडिया में भी काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ऐसा माना जाता है कि औरतें काम नहीं कर सकती, पर चीज़ें डेफिनेटली बदल रही है और बहुत तेज़ी से बदल रही है। दोस्तों एक चीज की प्रोनंसिएशन आपको ध्यान रखनी है, यहां पे इसकी प्रोनंसिएशन है वी विमेन एंड नॉट वुमेन।
ये विमेन है. इन मेनी कंट्रीज विमेन आर स्टिल रिजिडली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्कफोर्स. द कोविड 19 पैंडेमिक हैज शेकन द रिजिडिटी ऑफ मेनी पावरफुल नेशंस. काफी सारे ऐसे देश हैं जो कहते थे कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, कोई भी चीज आई हम उसे झेल लेंगे, पर इस पैंडेमिक ने बता दिया कि कौन सा देश कितने पानी में है. मतलब ऑल्दो इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग था, पर इस पैंडेमिक ने उसे बता दिया कि कौन सा देश कितना रिजिड है उनके पब्लिक हेल्थ सिस्टम को लेकर. इन द जॉब इंटरव्यू राहुल डिस्प्लेड रिजिडिटी व्हेन ही वाज क्वेश्चन्ड इफ ही कुड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. उसे एंड में जॉब नहीं मिला. आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो काफी उदास है, उसे जॉब नहीं मिला. पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब उसे पूछा गया ना कि क्या तुम लंबे घंटे काम कर सकते हो, तो वो रिजिड था कि नहीं मैं इतने घंटे ही काम कर सकता हूँ. तो ही व्हाट डिड ही डू, ही शोड रिजिडिटी, कि वो फ्लेक्सिबल नहीं था. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको जॉब इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा जाए कि क्या आप लंबे घंटे काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली बोलो कि आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम नॉट रिजिड, आई कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. डोंट बी रिजिड ऑन लर्निंग ओनली ग्रामर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी. ये मैं इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोज में मैंने कहा है कि रिजिड मत बनो कि मुझे सिर्फ ग्रामर सीखना है और उसके बाद ही मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाऊंगा. अगर आपकी ये सोच है तो ये रिजिड सोच है. इस सोच को आपको बदलना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ग्रामर सीखकर आप लिखना सही सीखोगे, बोलना सही नहीं सीखोगे, इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाओगे. तो इस मामले में बिल्कुल रिजिड मत बनना. दोस्तों हर बारी की तरह अब बारी आपकी है. आपको मुझे कॉमेंट्स में लिखकर ये बताना है वॉट थिंग्स डू यू डू और फॉलो रिजिडली. ऐसी कौन सी चीजें आप करते हो या कोई ऐसी चीज जो आप फॉलो करते हो, वो भी रिजिडली फॉलो करते हो, मतलब अनुशासन के साथ या डिसिप्लिन के साथ या स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए. मैं आपसे कल मिलूंगा एक और नया वर्ड लेकर. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर.